जलालाबाद तहसील मुख्यालय पर अधिवक्ता अर्पित गुप्ता, भामाशाह ने दर्जनों अधिवक्ताओं के साथ पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित किया। अपर उप जिलाधिकारी बरखा सिंह को सौंपा। रजौरी, जम्मू में 6 दिन दिवस हिंदुओं को इस्लामिक कट्टरपंथ से प्रभावित आतंकवादियों ने टारगेट की लिंक के तहत मौत की घाट उतार दिया। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से निम्नवत मांगी की। इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध घोषित करके जमात ए इस्लाम, तबलीग जमात, अहले हदीस, दावत इस्लाम जैसे आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही कट्टरता सिखाने वाले व आतंक को बढ़ावा देने वाले मस्जिद और मदरसों पर जांच उपरांत जम्मू प्रतिबंध लगे और कश्मीर में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए विजिलेंस डिफेंस कमेटी मजबूत की जाए। हिंदू अपनी रक्षा खुद कर सके इसके लिए आतंकवाद प्रभावित राज्य जम्मू कश्मीर के हिंदुओं को गन के लाइसेंस इशू किए जाए, पीड़ित परिवारों को जायज व मुआवजा दिया जाए, पीड़ित परिवार के शेष बचे लोगों को नौकरी दी जाए। हिंदू अपने जानमाल की रक्षा कर सके इस हेतु उनको विशेष ट्रेनिंग दी जाए। सीमांत जिले होने के कारण राजौरी, पूंछ, जम्मू, उधमपुर, कठुआ को हिंदू विहीन करने की साजिश बहुत पुरानी चल रही है। ऐसे में बॉर्डर के युवाओं को विशेष ट्रेनिंग देकर उनको बतौर टेरिटोरियल आर्मी, सेना अथवा पुलिस में विशेष पुलिस ऑफिसर लिया जाए। ज्ञापन देने वालों में अमित कुमार, एडवोकेट सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।